हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं झारखंड राज्य के करंट अफेयर कवर करूंगा अगस्त से अक्टूबर तक। अगस्त से अक्टूबर तीन महीने के करंट अफेयर जो झारखंड के जितने भी आने वाले एग्जाम हैं सब में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, अगर आपने मेरा जनवरी से जुलाई वाला झारखंड का वीडियो नहीं देखा है करंट अफेयर का तो पहले उसको देख लीजिए। इसका लिंक आपको नीचे कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 178,000 लोगों ने ऑलरेडी इसे देख लिया है और इसमें भी मैंने झारखंड के करंट अफेयर काफ़ी डिटेल में कवर किए थे जनवरी से जुलाई, और इस वाले में कवर करूँगा। जुलाई में कुछ बच गए थे तो वो इसमें डाल दिए मैंने, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर और अक्टूबर। तो शुरू करते हैं झारखंड के करंट अफेयर। लेकिन एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर दूं, एसएससी, बैंकपी और यूपीएससी के लिए हमारे पेनड्राइव कोर्सेज आते हैं। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं वैसे ही आप पूरा सिलेबस इन एग्जाम्स का घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। अगर कोई भी कोर्स आप खरीदना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर्स पर ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले झारखंड को एक ऐसा एरिया बनाया जा रहा है जहाँ पे पक्षियों को आप देख सकते हैं, पक्षियों को देख कर उनका रोमांच ले सकते हैं। और इसके लिए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी BNHS ने झारखंड में चार ऐसी जगह है जिनको इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया घोषित किया है। इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया का मतलब ये होता है ये वो जगह है जहाँ पे पक्षी विचरण करते हैं, माइग्रेट करके दूसरे देशों से या भारत के दूसरे जगह से आते हैं। तो झारखंड राज्य में कौन सी बनी है ये इम्पॉर्टेंट चार जगह जहाँ पे पक्षी आप देख सकते हैं? पहली है डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरी है नॉर्थ कर्णपुरा वैली यानी नॉर्थ कर्णपुरा की जो घाटी है वो, तीसरा है तिलैया बांध, तिलैया डैम, और चौथा है टॉप छंछी डैम। तो टॉप छंछी बांध, तिलैया बांध, कर्णपुर घाटी और डलमा अभ्यारण्य, ये हैं चार जगह जिनको इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया का दर्जा दे दिया है। और याद रखिए, इससे पहले बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने सिर्फ तीन ऐसी जगह है जिनको इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया डिक्लेयर किया था। पहला है हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरा पलामो टाइगर रिजर्व और तीसरा उधवा लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। झारखंड में जो एलिफेंट सेंसस हुआ, एलिफेंट सेंसस मतलब एलिफेंट की जो गणना होती है वो हुई, और ये सातवीं बार हुआ जब भारत में एलिफेंट सेंसस हुआ ये देखने के लिए कि किस राज्य में कितने हाथी बचे हैं। और ये समय समय पे होनी चाहिए ये देखने के लिए कि भारत में जो हाथियों का संरक्षण है वो कितना हेल्पफुल है, किस उसकी गति क्या है, क्या हाथी कम हो रहे हैं, पहले से ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए ऑल इंडिया एलिफेंट सेंसस करवाया जाता है। इस बार जो एलिफेंट सेंसस हुआ उसमें चार राज्यों ने हिस्सा लिया। मैं रिपीट करता हूँ, चार राज्यों ने हिस्सा लिया, झारखंड, बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़। तो झारखंड में कितने हाथी हैं? झारखंड में हाथी हैं 555, और ये 2016 के एकदम लेटेस्ट फिगर आपको बता रहा हूँ। झारखंड में 555 हाथी हैं और इनका नंबर कम हुआ है। जब 2012 में सेंसस हुआ था, एलिफेंट सेंसस, तो उसमें रिकॉर्ड किए गए थे 688 हाथी, यानी जो हाथियों का नंबर है वो लगभग 130 कम हो गया है। इसके लिए जो स्टेट अथॉरिटी हैं, एलिफेंट डिपार्टमेंट, उन्होंने जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है जिन्हें बोलते हैं, जिनके लिए वर्ड होता है एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, हमारे इसके लिए जो मंत्री हैं वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्र सरकार में, तो उन्होंने कहा है कि जो हाथी कम हुए हैं वो इन कारणों की वजह से हुए हैं। पहला, हाथी जो है वो माइग्रेशन करके, विचरण करके दूसरे राज्यों में चले गए हैं। दूसरा, जो नक्सलाइट हैं उन्होंने मार दिए हैं या नक्सलाइट ऑपरेशंस में उनको गोली वगैरह लगने की वजह से वो मर गए हैं। इसके अलावा झारखंड में अगर मैं इंडिविजुअली देखूं, जब हाथी हम गिनते हैं तो कैसे गिनते हैं, इसके लिए दो तरीके अपनाए जाते हैं। एक तो वन विभाग के जो लोग हैं वो झारखंड में जगह जगह पे जाके अपनी आंखों से देखते हैं हाथी और उनको गिनते हैं। दूसरा तरीका जो ज़्यादा एक्यूरेट है वो ये, हाथी जो गोबर करता है जिसे बोलते हैं डंग डीके एनालिसिस किया जाता है, यानी हाथी का गोबर देखो और जो गोबर है वो थोड़े टाइम बाद सड़ जाता है, तो उस सड़े हुए गोबर को देख के ये काउंट किया जाता है कि कितने हाथी हो सकते हैं। और झारखंड में जो पलामो हैबिटेट है, पलामो टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे काफ़ी फेमस एक राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पे टाइगर का, वहाँ पे जो एलिफेंट है उनका नंबर कम हो गया है। 238 थे, 238 से घट के अब रह गए हैं 186। और डलमा सेंचुरी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे 156 से रह गए हैं, घट के सिर्फ 46। तो काफ़ी कम हुआ है झारखंड में हाथियों का नंबर। एक और बात बताता हूँ, एक बहुत फेमस हाथी है झारखंड का जिसका नाम है रजनी। इस हाथी का नाम याद रखिए, ये आपको डलमा वन्य जीव अभयारण्य में मिलेगा, डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलेगा। और इसको 7 साल पहले छुड़ाया गया था सरायकला खसरवा एरिया से और इसका बड़े धूमधाम से मनाया गया। तो एलिफेंट ये काफ़ी पॉपुलर है, रजनी को रेस्क्यू किया गया था और फिर इसको वहाँ पे पाला जा रहा है और ये काफ़ी अच्छा एक जो टूरिस्ट वो भी बन गया है, काफ़ी लोग रजनी हाथी को देखने जाते हैं। इसके अलावा जो
एक और चीज बताता हूं आपको, झारखंड के पूर्व आदिवासी सांसद, लोकसभा के सांसद, इनका नाम है सलखान मुर्मू, इन्होंने ये कहा है कि झारखंड के अंदर एक त्यौहार मनाया जाता है जिसे बोलते हैं सेंड्रा, सेंड्रा या इसका एक और नाम भी है बिशु शिकार, बिशु शिकार। ये आदिवासी जो है झारखंड के ट्राइबल वो मनाते हैं, इसमें ये जानवरों का शिकार करते हैं। तो उन्होंने कहा है ये नहीं होना चाहिए, इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है। और ये त्यौहार जो मनाया जाता है जनरली डलमा में मनाया जाता है, डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉरेस्ट में, डलमा जो वन है जमशेदपुर में, वहां पे मनाया जाता है। तो इसकी वजह से भी जानवरों का नंबर कम हो रहा है। और इस बार ये 8 मई 2017 को मनाया गया था। इसमें जो तीरंदाज होते हैं आदिवासी समुदाय के, जो जिन्हें बोलते हैं आर्चर, तीरंदाज, वो तीर से जानवरों का शिकार करते हैं। ये एक आदिवासी समुदाय का त्यौहार है। तो उन्होंने कहा सेंड्रा या जिसे बिशु शिखर बोलते हैं, बिशु शिकार बोलते हैं, ये सेलिब्रेट नहीं किया जाना चाहिए। चलिए अब कुछ और नहीं उस पर आते हैं। जो आईटी डिपार्टमेंट है, आईटी का मतलब यहां पे होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ना कि इनकम टैक्स, सूचना प्रौद्योगिकी। तो सूचना प्रौद्योगिकी का जो डिपार्टमेंट है झारखंड सरकार का, उन्होंने एक डिजिटल साक्षरता कैंपेन चलाया 1 अगस्त से 20 अगस्त। इसमें 15 लाख लोग हैं झारखंड के, उन्हें डिजिटली लिटरेट बनाया गया। भारत में डिजिटल लिटरेसी काफ़ी कम है, लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं ऑनलाइन के बारे में, डिजिटल इकोसिस्टम के बारे में, उसके बारे में इन्हें पढ़ाया गया। याद रखिए झारखंड में 4 बन रहे हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, कहाँ कहाँ बन रहे हैं, जमशेदपुर जिसे टाटा नगर बोलते हैं क्योंकि टिस्को प्लांट है, सिंदरी, देवगढ़ और बोकारो। ये झारखंड के वो 4 एरिया हैं जहां पे बन रहे हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। इसके अलावा झारखंड में कुछ नई सरकार ने पोजीशंस भी क्रिएट करी हैं वहां की अफसरशाही में, ब्यूरोक्रेसी में। जैसे अब हर डिस्ट्रिक्ट में वहां पे एक इलेक्ट्रॉनिक बैंक मैनेजर होगा, इलेक्ट्रॉनिक मर्चेंट मैनेजर होगा, नेटवर्क मैनेजर होगा और ई ब्लॉक मैनेजर भी होगा ब्लॉक्स के अंदर। तो ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि डिजिटल मैनेजर एक तरह के, यानी जो डिजिटल साक्षरता प्रदान करेंगे। और इसके अलावा झारखंड की सरकार ने CDAC और IT डिपार्टमेंट के साथ एक MOU साइन करा है, झारखंड में बनेंगे 24 साइबर पुलिस स्टेशन। साइबर पुलिस स्टेशन का मतलब ये होता है ये काफ़ी अत्याधुनिक पुलिस स्टेशन होते हैं, इनमें टेक्नोलॉजी का काफ़ी इस्तेमाल होता है जिससे मुजरिमों पर नज़र रखी जा सके, मुजरिमों को पकड़ा जा सके, ऐप का इस्तेमाल होता है, ट्रैकिंग का इस्तेमाल होता है, सैटेलाइट का इस्तेमाल होता है। तो ये है अत्याधुनिक साइबर पुलिस स्टेशन, और झारखंड में कितने बनेंगे, 24। इनमें फॉरेंसिक लैब भी होगी बहुत अच्छी। फॉरेंसिक लैब होता है जो मुर्दों के ऊपर जब डॉक्टर बताते हैं, उन पर रिसर्च करके, उन पर बॉडी को काट के कि ये कैसे मरा और वो सब जो केमिकल टेस्ट वगैरह होते हैं वो फॉरेंसिक लैब होती है। तो इनमें अत्याधुनिक 24 साइबर पुलिस स्टेशन में होंगी अत्याधुनिक फॉरेंसिक लैब, और टोटल खर्चा किया जाएगा इस पे 84 करोड़, और ये अगले 5 साल के अंदर तैयार हो जाएंगे 24 साइबर पुलिस स्टेशन, और 4 बन रहे हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। चलिए एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, क्योंकि झारखंड की सरकार ये चाहती है, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं रघुबर दास और ये झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले जितने भी झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे वो शिबू सोरेन हो, चाहे अर्जुन मुंडा हो, चाहे वो कोई भी हो, वो सब ट्राइबल बैकग्राउंड से आते थे। अब झारखंड में जो रघुबर दास हैं, ये इन्होंने कहा है झारखंड को हम पेपरलेस बनाना चाहते हैं जितना हो सके, यानी डिजिटल बनाना चाहते हैं। डिजिटल चीज़ में पेपर का इस्तेमाल नहीं होता, कागज़ का इस्तेमाल नहीं होता। तो झारखंड में जो रांची का जो उपायुक्त ऑफिस है, यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, DC बोलते हैं इसे, DC मतलब उपायुक्त, तो जो DC का ऑफिस है वो पेपरलेस हो गया है। पेपरलेस 1 अगस्त से पेपरलेस हो गया है रांची का DC ऑफिस। दूसरी बात, जो 4 डिपार्टमेंट हैं झारखंड के, ये पेपरलेस हो गए हैं। कौन कौन से हैं ये? पहला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी, दूसरा है पर्सोनेल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड राजभाषा यानी कि कार्मिक प्रशासन सुधार और राजभाषा, तीसरा डिपार्टमेंट है रूरल डेवलपमेंट यानी कि जो रूरल डेवलपमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं शायद ग्रामीण विकास, और चौथा है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज माइंस एंड जियोलॉजी। ये 4 डिपार्टमेंट है सरकार के जो पूरी तरह से पेपरलेस हो चुके हैं। झारखंड ने यह कहा है कि हम शिक्षा में सुधार चाहते हैं, और शिक्षा में सुधार के लिए रघुबर दास जो है मुख्यमंत्री, उन्होंने एक विशेष कदम उठाया है। उन्होंने ये कहा है कि अब 8वीं कक्षा में भी बोर्ड एग्जाम हुआ करेंगे। जहां एक तरफ भारत में बोर्ड एग्जाम्स के खिलाफ एक मुहिम चल रही है, बच्चों के ऊपर बहुत स्ट्रेस आता है, लेकिन झारखंड ने कहा है हम 8वीं कक्षा में भी बोर्ड एग्जाम होगा, इससे शिक्षा का स्तर सुधरेगा। क्योंकि बच्चों के अंदर एक बोर्ड के नाम से एक पढ़ने की मोटिवेशन आती है, पढ़ने की प्रेरणा आती है अंदर कि हमें अच्छा स्कोर करना है। और बोर्ड में बैठने के लिए आपको 75% अटेंडेंस होनी चाहिए 8वीं क्लास में, और बोर्ड से पहले ये एक प्री बोर्ड एग्जाम लेंगे, यानी बोर्ड में बैठने के लिए एक क्वालिफाइंग परीक्षा होगी, उसमें 33% नंबर आपको चाहिए तभी आप 8वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम में बैठ पाएंगे।
एक और बात, जो जो प्राइमरी स्कूल है, प्राथमिक शिक्षा जहां मिलती है झारखंड में, उनमें बच्चे 8 बजे से सुबह दोपहर के 2 बजे तक पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जो गवर्नमेंट हाई स्कूल है वहां के, उनमें जो टाइमिंग है वो 10 से 4 है। अब इनका टाइमिंग भी 8 से 2 कर दिया गया है, यानी जो पहले 10 बजे से 4 बजे तक का टाइम था स्कूल खुलने का गवर्नमेंट हाई स्कूल का, उन्हें प्राथमिक स्कूलों की भांति 8 से 2 बजे तक का टाइम अप कर दिया गया है, 8 AM to 2 PM। झारखंड भारत का पहला राज्य है जिसने एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाया है किसानों के लिए। ये झारखंड का जो जो एग्रीकल्चर, पशुधन, एनिमल हस्बेंड्री, कृषि और कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं, इनका नाम है रणधीर सिंह। इन्होंने अनाउंस करा है कि किसानों को जो है इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, सूचना आसानी से नहीं मिलती, इसलिए झारखंड में बनाया है सिंगल विंडो सिस्टम। इससे फार्मर्स को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए सारी एक ही जगह पे मिलेगी, और इसके लिए इन्होंने कई कदम भी उठाए हैं। फॉर एग्जांपल, मुख्यमंत्री किसान हेल्पलाइन शुरू करी है झारखंड ने, ये नंबर है 0651-249-0542 और 7632-996427, ये इंट्रोड्यूस किए गए थे इसी साल अप्रैल 22, 2017 में। इसके अलावा झारखंड में 539 सीड विलेजेस बनाए गए हैं। सीड विलेजेस क्या होते हैं? सीड विलेजेस होते हैं, सीड मतलब बीज गांव। यहाँ पे आपको किसानों को उच्च क्वालिटी के बीज मिलेंगे जिससे वो अपनी खेती में उनका इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा झारखंड पहला राज्य है भारत का जिसने 7,95,000 यानी 7.95 लाख मुद्रा हेल्थ कार्ड दिए हैं किसानों को। इसके अलावा किसानों की सहायता के लिए एक झारखंड स्टेट एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन भी बनाया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है। झारखंड में कुछ और चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। रांची में एक जगह है जिसे बोलते हैं होतावार। होतावार में 1,00,000 लीटर कैपेसिटी का मेघा डेयरी प्लांट बनाया गया है। जो ये मेघा डेयरी है, ये वहाँ का मिल्क ब्रांड है झारखंड का, और अब इसकी कैपेसिटी है 1,00,000 लीटर दूध यहाँ पे प्रोसेस हो पाएगा। कच्चा दूध जो होता है वो प्रोसेसिंग प्लांट है एक तरह का ये, इसकी क्षमता है 1,00,000 लीटर की, और ये लगा है होतावार रांची में। इसके अलावा झारखंड में 50,000 लीटर कैपेसिटी के 3 प्लांट और बन रहे हैं। वो कहाँ कहाँ बन रहे हैं? एक बन रहा है साहेब गंज में, दूसरा पलामू में और तीसरा देवगढ़ में। मैं रिपीट करता हूँ, 50,000 लीटर कैपेसिटी के 50,000 लीटर दूध की क्षमता प्रोसेस करने वाले प्लांट लग रहे हैं, एक साहेबगंज में, दूसरा पलामू में और तीसरा देवगढ़ में। झारखंड की सरकार ने जो वहाँ का कोऑपरेटिव है, जैसे गुजरात में अमूल है, अमूल तो खैर पूरे भारत में ही है, हालांकि स्टार्ट हुआ था गुजरात से, इसी तरह झारखंड में है मेघा। तो मेघा के जो दूध के जो किसान हैं, जो जिन्हें बोलते हैं डेयरी फार्मर, उनकी मदद करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया है। इस सॉफ्टवेयर का नाम है नेट बुक। ये इसलिए बनाया है, एक तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से दूध की क्वालिटी चेक हो सकती है कि कहीं कोई मिलावट एडल्ट्रेशन वगैरह तो नहीं है दूध में, दूसरा कि जो मेघा जो डेयरी है इसमें जो लोग हैं वो डायरेक्टली किसानों से खरीद सकते हैं इस सॉफ्टवेयर की मदद से, बीच में कोई दलाल या इंटरमीडियरीज नहीं आएंगे। दूसरी बात, झारखंड में एक पहला, झारखंड का पहला फ्रोजन वेजिटेबल प्रोसेसिंग प्लांट लग रहा है। देखिए, आप ये समझिए कि झारखंड जो है वो एक वेजिटेबल सरप्लस स्टेट है। इसका मतलब जितनी सब्जी की रिक्वायरमेंट होती है झारखंड में, उससे ज़्यादा उगाई जाती है। तो किसान क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है तो किसानों की वो सब्जियां बिकती नहीं है तो वो सड़कों पर डाल के चले जाते हैं और सब्जियां वहां पर सड़ जाती हैं। इसीलिए वहां पर एक कोल्ड स्टोरेज प्लांट होना चाहिए जिससे उन्हें हम काफ़ी लंबे समय तक स्टोर कर सकें, और ये इसीलिए झारखंड का पहला फ्रोजन वेजिटेबल प्रोसेसिंग प्लांट जो है ये शुरू हो गया है। इसको वहां पे लगाया है मदर डेयरी ने, और इसमें खर्चा हुआ है 82 करोड़ रुपए का। ये 27 एकड़ जमीन पे बना है, बहुत बड़ा प्लांट है ये। इसमें आप जो फल और सब्जियां हैं वो काफी लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हो। और ये लगा कहाँ पे है? ये लगा है रांची में। रांची में नागरी ब्लॉक का एक एरिया है जिसको बोलते हैं टिकरा तोली एरिया। झारखंड, जैसा मैंने बताया था कि झारखंड भारत का पहला राज्य है जिन्होंने सिंगल विंडो सिस्टम बनाया है फार्मर के लिए। इसके अलावा कुछ और भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। झारखंड में बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो मशहूर स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा जी के नाम पे है, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसके अंडर 5 कॉलेज नए बने हैं, और इनमें इसी साल 2017-18 से, यानी कि जो नया सेशन स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2017 से, वो स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी। कितने नए कॉलेज बने हैं बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में? 5 नए कॉलेज, और ये कृषि की ही पढ़ाई करवाएंगे क्योंकि ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है सिर्फ। इसके अलावा झारखंड में 181 विलेज लेवल टूल बैंक बने हैं। टूल बैंक, टूल मतलब होता है औजार। अगर किसानों को खेती हेतु औजार चाहिए तो उन्हें खरीदने की जरूरत नहीं है, वो इन 151 टूल बैंक में जा सकते हैं और यहां से किराए पे
किराए पे जो हथियार हैं, जो एग्रीकल्चर करने के लिए जो औजार हैं, उन्हें खरीदने की बजाय रेंट पे ले सकते हैं, किराए पे ले सकते हैं। इसके लिए 151 विलेज लेवल टूल बैंक बने हैं। और झारखंड में 2319 ऐसे तालाब हैं जिनको रेनोवेट किया गया है, जिनका जीर्णोद्धार करवाया गया है, जिससे वो सिंचाई में काम आ सके, जिनमें दोबारा पानी आ सके। 2319 तालाबों का रेनोवेशन करवाया गया है। उसके अलावा झारखंड में जो दूध है वो भी ज़्यादा हो गया है। जैसे अगर मैं 2014-15 वित्तीय वर्ष की बात करूं तो झारखंड में जो दूध था वो था 38 लाख लीटर, और जो ये साल खत्म हुआ है 31 मार्च 2017 को, वित्तीय वर्ष 2017, इसमें 54 लाख लीटर दूध प्रोड्यूस हुआ झारखंड में। अब झारखंड में कौशल विकास के लिए कितना पैसा सरकार खर्च कर रही है, तो बजट के अंदर 700 करोड़ रुपए रखा गया है स्किल डेवलपमेंट के लिए। भारत के वैसे नए स्किल डेवलपमेंट मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, ये हमारे तेल और गैस के मंत्री भी हैं, इससे पहले थे राजीव प्रताप रूडी, लेकिन अब है धर्मेंद्र प्रधान। और झारखंड में 3 नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। कहाँ कहाँ बन रहे हैं? हजारीबाग में, पालामू में और डमका में। तो हजारीबाग, पालामू और डमका में बन रहे हैं 3 मेडिकल कॉलेज। इसके अलावा झारखंड की सरकार ने एक टारगेट रखा है कि 50,000 BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे जो परिवार हैं, उन्हें 2 गाय दी जाएंगी सबको। 50,000 परिवारों को दी जाएंगी 2 गायें ईच, यानी एक परिवार को 2 गाय दी जाएगी। अगर आप झारखंड में कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं किसी महिला के नाम पे, 50 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी पे आपको टोकन फीस सिर्फ 1 रुपए देनी पड़ेगी। ये इसलिए किया गया है जिससे लोग महिला के नाम पे जमीन खरीदें और महिलाओं का इससे विकास हो सके, सशक्तिकरण हो सके, क्योंकि महिला के नाम पे जमीन है। इसके अलावा महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं जिन्हें बोलते हैं SHG। इसका मतलब ये होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, जैसे मान लो 100 महिलाओं ने मिलकर अपना एक ग्रुप बना लिया, तो ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है। तो झारखंड में 1 लाख स्मार्टफोन बांटे जाएंगे महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर। अब आते हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर जो पिछले 40-50 साल से बनी नहीं पाया है। नॉर्थ कोयल नदी है एक, उस पे एक बांध बन रहा है, और इसको लेके बिहार और झारखंड में लड़ाई चल रही है पिछले 40-50 साल से, और ये बन ही नहीं पाया है। पहले ये बनना स्टार्ट हुआ था 70s-80s में, उसके बाद 1993 से ये रुक गया, और अब ये फाइनली इसको परमिशन मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बीच में इंटरवीन किया और कहा कि इसको बनाओ, क्योंकि इससे 40,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई हो पाएगी उन एरियाज में बिहार और झारखंड के जो सबसे ज़्यादा पिछड़े इलाके हैं। और ये जो डैम है, जो बांध है, इसका नाम है कुटकू मंडल बांध है ये। और ये कहा है कि इतना बड़ा मत बनाओ, इसकी कैपेसिटी जो है वो कम कर दो। तो इसकी कैपेसिटी कई जगह पे तो 85% तक कम कर दो, जिससे पर्यावरण पे भी ज़्यादा प्रभाव ना पड़े और जंगलों पे भी ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, क्योंकि झारखंड में एक बेतला नेशनल पार्क है और बहुत सारा हिस्सा डूबने के कगार पे है अगर ये बन गया तो। इसलिए ऐसा कहा गया कि एक मिडल पाथ निकालो, एक बीच का रास्ता निकालो, जिससे बांध भी बन जाए और जो बेतला नेशनल पार्क है वो भी, उस पर भी दुष्प्रभाव ना पड़े। और ये अब फाइनली अब ये प्रोजेक्ट बन रहा है, और इसके लिए 1,000 हेक्टेयर जमीन है जो बेतला नेशनल पार्क की, जो पानी में सबमर्ज होगी, डूबेगी। और 15 गांव हैं, और ये 15 गांव पलामो टाइगर रिजर्व, जो कि बेतला नेशनल पार्क का ही हिस्सा है, पलामो टाइगर रिजर्व लतेहार डिस्ट्रिक्ट में है ये झारखंड में, उसमें 15 गांव हैं जिन्हें दूसरी जगह पे शिफ्ट करना पड़ेगा, वरना वो पानी से डूब जाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात, इसमें एक जो ये प्रोजेक्ट बन रहा है नॉर्थ कोयल नदी वाला, इसमें एक 24 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट भी है। ये भी अब सरकार कह रही है हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि इससे भी पर्यावरण को खतरा हो सकता है। और इससे पहले आपको याद होगा मध्य प्रदेश में जो केन बेतवा प्रोजेक्ट है, उसके बनने से भी एक पन्ना टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, उसको खतरा था, तो वो भी बहुत बड़ा चैलेंज था। खैर, नॉर्थ कोयल जो नदी है, इस पे भी ये जो प्रोजेक्ट है 1972 में स्टार्ट हुआ था, अगर एकदम एग्जैक्ट डेट आप याद रखना चाहते हैं, और 1993 में फिर ये बिहार के वन विभाग ने इसको रोक दिया था, हम नहीं बनने देंगे, तब से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, 1993 से बना ही नहीं है। चलिए, अब इसमें ये जो अगर बन गया प्रोजेक्ट तो किस एरिया को फायदा होगा? एक तो होगा पलामो डिस्ट्रिक्ट को फायदा, और एक गढ़वा डिस्ट्रिक्ट को फायदा झारखंड के, और बिहार के औरंगाबाद और गया डिस्ट्रिक्ट को फायदा होगा। अब एक नया मिशन स्टार्ट करा है झारखंड की सरकार ने, इसका नाम है सघन मिशन इंद्रधनुष। देखिए, मिशन इंद्रधनुष से आप कंफ्यूज मत होइए, 2 तरह के मिशन इंद्रधनुष चला रही है सरकार, केंद्र सरकार। एक तो चला रही है हमारी हेल्थ के लिए, ठीक है, हमारी सेहत के लिए, और एक मिशन इंद्रधनुष आपको याद होगा, हमारे जो बैंक हैं आजकल नॉन परफॉर्मिंग एसेट से निपट रहे हैं,
उसके लिए 70,000 करोड़ रुपए डालने के लिए मिशन इंद्रधनुष चला रही है सरकार। तो दो अलग अलग प्रोजेक्ट हैं मिशन इंद्रधनुष के, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। यहां मैं बात कर रहा हूं जो सेहत वाला है, हेल्थ वाला है, बच्चों के लिए, बच्चों को डिजीज से बचाने के लिए। अब झारखंड में दो जगह है, एक तो है गिरिडीह, मैं रिपीट करता हूं, गिरिडीह, और दूसरा है पाकुड़। ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं झारखंड के जिनमें चलाया गया है सघन मिशन इंद्रधनुष। किस लिए? 18,000 बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए। किस चीज से जिंदगी बचाने के लिए? 7 ऐसे रोग हैं जो बच्चों को पकड़ रहे हैं, 7 रोग हैं। इन 7 रोगों से निपटने के लिए बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा गिरिडीह में और पाकुड़ में। कब से कब तक? 10 अक्टूबर 2017 को ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और 7 जनवरी 2018 तक ये चलेगा। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, इसमें 7 रोग कौन से हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। ट्यूबरकुलोसिस है जिसमें फेफड़े खराब हो जाते हैं, खांसी आती है बहुत, हुपिंग कफ है, हेपेटाइटिस बी है जिसमें लिवर खराब हो जाता है, टिटनस है जो बिल्कुल खत्म कर देता है आदमी को, टिटनस, इसमें क्लोस्ट्रीडियम टिटनी नाम का बैक्टीरिया होता है वो बॉडी में चला जाता है, फिर आपके जो मसल है वो सीज हो जाते हैं, निमोनिया है जो ठंड लगने के कारण हो सकता है, इसमें आपके फेफड़े खराब हो जाते हैं, इसमें भी ब्रेन फीवर है, ब्रेन फीवर की कई तरह के होते हैं ब्रेन फीवर, जैसे मेनिंजाइटिस वगैरह होता है, मीजल है, ये त्वचा का रोग है, पूरे बॉडी पे दाने हो जाते हैं इसमें, तो ये मीजल है। दिसंबर 2018 तक सरकार ने ये टारगेट रखा है कि कम से कम 90% इन्फेंट बोलते हैं नवजात शिशु को, जो अभी अभी पैदा ही हुआ है, नवजात शिशु 90% उनका टीकाकरण कर दिया जाना चाहिए अगले 2 साल के अंदर अंदर, दिसंबर 2018 तक, इन 7 रोगों से निपटने के लिए। एक चीज और बताता हूं, झारखंड में एक चीज और चल रही है और वो ये कि एक अलग प्रोग्राम एक और चल रहा है जिसका नाम है MR2 प्रोग्राम। MR2 प्रोग्राम क्या है? M से बोलते हैं मीजल, R से बोलते हैं रुबेला। तो मीजल और रुबेला से निपटने के लिए झारखंड में बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा 9 महीने से 15 साल तक के बच्चों का। मैं रिपीट करता हूं, 9 महीने से 9 मंथ से 15 साल तक के बच्चों का झारखंड में टीकाकरण किया जाएगा मीजल रुबेला प्रोग्राम के तहत, और ये अप्रैल 2018 से ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अप्रैल 2018 से ये स्टार्ट होगा। और एक बार बच्चों का सबका टीकाकरण हो गया तो फिर बच्चों को दूसरी और जो डिजीज हैं उनसे भी निपटने में उनका भी टीकाकरण किया जाएगा। जैसे मीजल और रुबेला का एक बार हो गया, फिर उसके बाद बाकी डिजीज भी कवर किए जाएंगे। और ऑलरेडी जो मिशन इंद्रधनुष चल रहा है उसमें टारगेट है 18,000 इन्फेंट, और ये 7 रोग हैं जिनके वो चल रहा है। तो दो अलग अलग प्रोग्राम है। अब रेलवे की बात करते हैं, हमारे जो पुराने रेल मंत्री थे सुरेश प्रभु, वो तो अब हमारे वाणिज्य मंत्री हैं यानी कॉमर्स मिनिस्टर हैं, नए रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, ये कोयला मंत्री भी हैं वैसे, और झारखंड में भी काफी कोयला होता है आप जानते हैं। देखिए, रेलवे मंत्री ने यह कहा है, अभी अभी सिर्फ 4 या 5 दिन पहले खत्म हुई है झारखंड में झारखंड माइनिंग एंड मिनरल समिट 2017, झारखंड की माइनिंग और मिनरल समिट 2017। देखिए, झारखंड में 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हुए हैं इस साल, एक तो था मोमेंटम झारखंड जिसके ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी थे। मोमेंटम झारखंड जो था उससे भी काफी क्वेश्चन आएंगे, वो मैं ऑलरेडी जनवरी से जुलाई वाले वीडियो में कवर कर चुका हूं बहुत डिटेल में, झारखंड का बजट, झारखंड का इकोनॉमिक सर्वे, झारखंड के मोमेंटम झारखंड, इसमें मैं आपको बता रहा हूं झारखंड का माइनिंग एंड मिनरल समिट जो अभी भी खत्म हुआ है। ये 3 दिवसीय ग्लोबल माइनिंग समिट था जो रांची झारखंड में हुआ, इसमें पीयूष गोयल आए थे। पीयूष गोयल ने यह कहा है झारखंड में रेलवेज इन्वेस्ट करेगा 3500 करोड़ रुपए इसी फाइनेंशियल ईयर में, यानी 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक। और दूसरी बात, झारखंड का ये एकमात्र माइनिंग शो था और इसको ऑर्गेनाइज करवाया कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII ने झारखंड के खदानों के विभाग के साथ मिलकर। अब इसमें अगर पूछ लें भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बताता हूं। देखिए, जो सबसे पहला दिन था, मैंने आपको बताया 3 दिन तक चला ये सबमिट, इसमें सबसे पहले दिन एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट साइन हुआ था। ट्राइपार्टाइट मतलब 3 पार्टी थी उसमें, तीन पार्टी कौन थी? सबसे पहली कंपनी थी कोल इंडिया लिमिटेड, ये एक महारत्न कंपनी है, और 2 डिपार्टमेंट और थे, तो 3 पार्टी होनी चाहिए। 2 डिपार्टमेंट कौन से थे? एक तो था माइंस एंड जियोलॉजी यानी खदानों का, और दूसरा था ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का। ये तीनों ने आपस में मिलके, झारखंड की सरकार के 2 डिपार्टमेंट थे ये, और कंपनी थी कोल इंडिया, इन्होंने आपस में मिलके ये डिसाइड करा है कि वो पानी जो खदानों के गड्ढों में रह जाता है उसका यूज लेंगे हम सिंचाई के लिए और पीने के पानी के लिए। ये MOU साइन हुआ है। कई बार क्या होता है, कोयले की खदानों में पानी मिलता है बहुत सारा और वो यूज हो नहीं पाता,
और वो पानी भी यूज किया जा सकता है खेतों की सिंचाई में और पीने के पर्पज से। ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। अब बाकी तीन एग्रीमेंट कौन से साइन हुए हैं? ये तीन एग्रीमेंट प्राइवेट कंपनियों के साथ साइन हुए हैं। देखिए कोल इंडिया तो सरकारी कंपनी है, तो ये सरकार और सरकार के बीच में साइन हुए ये सारे, लेकिन तीन प्राइवेट कंपनियों के साथ साइन हुए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो एग्रीमेंट है वो साइन हुआ है मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी MECL के साथ मिलके, और वेदांता के साथ हुआ है दूसरा, वेदांता के साथ मिलके एक स्टील प्लांट लगाएगी सरकार, और तीसरा साइन हुआ है श्री सीमेंट के साथ। श्री सीमेंट कंपनी जो है ये सीमेंट प्लांट लगाएगी झारखंड में। इसके अलावा अदानी ने यह कहा है, गौतम अदानी जो चेयरमैन है उन्होंने ये कहा है झारखंड में हम अगले 5 सालों में इन्वेस्ट करेंगे 20,000 करोड़ रुपए, जिससे 10,000 जॉब क्रिएट होंगे झारखंड के अंदर। तो मैं रिपीट कर देता हूँ फटाफट, तीन एग्रीमेंट कौन कौन सी कंपनियों के साथ साइन हुए हैं? MECL, वेदांता और श्री सीमेंट। और इसके अलावा अदानी बोल रहा है कि मैं 20,000 करोड़ रुपये झारखंड में अगले 5 सालों में इन्वेस्ट करूंगा। और एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट साइन हुआ है कोल इंडिया और झारखंड के दो विभागों के बीच में, झारखंड माइनिंग एंड मिनरल समिट में। अब बात करते हैं सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए सेल ने यह कहा है कि झारखंड की खदानों में जो लोहा निकलता है, आयरन ओर प्रोडक्शन होता है, आयरन ओर से फिर आयरन बनता है बाद में जाके, आयरन ओर प्रोडक्शन होता है, हम उसे बढ़ाना चाहते हैं। कितना बढ़ाना चाहते हैं? हम उसको इंक्रीज करना चाहते हैं 23 MT यानी जो हॉट मेटल प्रोडक्शन है हम उसे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसके लिए देखिए सेल की ऑलरेडी बहुत सारी खदानें हैं, और सेल जो है भारत का सबसे बड़ा स्टील बनाने वाली कंपनी है सेल, और इनकी माइन कौन कौन सी हैं? इनकी मुख्य आयरन ओर की माइन है, एक है किरीबुरू में, एक है मेघा हाटूबुरू में, एक गुआ में और एक चिरिया में। ये सब झारखंड के इलाके हैं, यहाँ पे हैं इनकी खदानें मुख्य। और जो आयरन ओर रिक्वायरमेंट है वो जनरली ये झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से पूरी करेंगे, और इनका टारगेट है 23 MT। अब जो एक्सपेंडेड कैपेसिटी है वो कितनी होगी? यानी किरीबारू की कैपेसिटी अब बढ़ा के कर दी गई है 5.5 MT, मेघा हाटूबुरू की कर दी गई है 6.5 MT, और गुआ की जो खदानें हैं, माइंस हैं, उनकी कर दी गई है 10 MT, और जो चिरिया माइन है ये कई फेजेस में डेवलप होगी। इसमें पहले चरण में 7 MT कैपेसिटी होगी और दूसरे चरण में 15 MT कैपेसिटी होगी, यानी जितनी भी खदानें हैं सबकी कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा सेल ने एक चीज़ और कही है, वो उसने ये कहा है झारखंड में जो गरीब लोग हैं उनके लिए हम काम करेंगे। कौन से गाँव में? जो सरांद रीजन है, सरांद का एरिया है, उसमें हम गांव में विकास के काम करेंगे, ये कहा है सेल ने। उन्होंने कहा है झारखंड में हम पिछले 6 सालों में हमने 36 करोड़ रुपया खर्च किया है CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट के तहत, जो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं झारखंड में जो खदान है जहाँ पे बहुत सारी, और उनके विकास के लिए हमने 36 करोड़ रुपया खर्च किया है। इसके अलावा वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने यह कहा है कि हम झारखंड में इन्वेस्ट करेंगे 10,000 करोड़ रुपए। ये इन्होंने इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया है और ये बेसिकली स्टील के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। इनका एक आयरन और माइनिंग प्रोजेक्ट बन रहा है अनिल अग्रवाल का, वेदांता कंपनी का, और एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट भी ये बना रहे हैं। इसमें एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, लेड इत्यादि कई सारी धातुएं हैं जो इनमें माइन जिनकी की जाएगी। इसके अलावा एक बहुत बड़ा स्टील प्लांट झारखंड में लग रहा है वेदांता कंपनी के द्वारा, जो 1 मिलियन टन कैपेसिटी है इसकी, मनोहरपुर में लग रहा है ये। म्यांमार के एक कंसुल जनरल हैं झारखंड में, ये मारे गए रोड एक्सीडेंट के अंदर। ये काफी दुखद था क्योंकि किसी भी देश के अगर कोई दूत होते हैं दूसरे देश में तो उनकी पूरी सम्मान से रक्षा करनी चाहिए। म्यांमार के कंसुल जनरल जिनका नाम था पाई सो, ये एक रोड एक्सीडेंट में झारखंड के गिरिधीह डिस्ट्रिक्ट में इनकी दुर्घटना हो गई। इनकी पत्नी और 2 बच्चे भी गाड़ी में बैठे थे पर वो बच गए, हालांकि ये इनकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई और फिर इनकी मृत्यु हो गई। झारखंड की सरकार ने एक निर्णय लिया है, वो निर्णय ये है कि हम अगले साल से एक फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया करेंगे। इसका इन्होंने नाम रखा है IFFJ, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ झारखंड। इसमें फिल्में दिखाई जाएंगी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाएंगी, और सबसे पहला फिल्म फेस्टिवल होगा 2018 अक्टूबर में धनबाद में। धनबाद को हम ब्लैक डायमंड सिटी बोलते हैं, ब्लैक डायमंड बोलते हैं कोयले को, तो इसे हम भारत का कोयला शहर भी यानी ब्लैक डायमंड सिटी भी बोलते हैं। 3 दिवसीय त्यौहार होगा ये, 2018 अक्टूबर में होगा, और इसमें फिल्मों में अपने आजीवन योगदान के लिए रमेश सिप्पी को सम्मानित किया जाएगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देकर।
रमेश सिप्पी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने शोले फिल्म बनाई थी, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की फिल्म थी शोले, वैसे और भी फिल्में बनाई है लेकिन जो इनका नाम है वो शोले फिल्म के लिए है मेनली। झारखंड की सरकार ने कहा है, देखिए झारखंड में एक बच्ची थी और वो बच्ची मतलब जो पीडीएस सेंटर है वहां पे गई, वहां पे उसे चावल नहीं मिला, चावल नहीं मिला तो वो मर गई क्योंकि वहां ये बोले कि आपको आधार कार्ड से आधार नहीं है आपके पास, और इससे काफी बदनामी हुई झारखंड सरकार की क्योंकि आधार की कमी के कारण वो बच्ची तड़प तड़प के मर गई। अब सरकार ने ये कहा है कि आधार कार्ड जो है वो मैंडेटरी नहीं है। सरकार ने वैसे जब वो मर गई तो उसके बाद एक कमेटी बिठाई इंक्वायरी के लिए, उसमें ये पता चला कि वो लड़की भुखमरी से नहीं मलेरिया से मरी थी, लेकिन जो ऑपोजिशन है वो कह रही है कि ये तो सिर्फ एक कवर अप करने की कोशिश की गई थी। खैर जो भी हो हम उस पर नहीं जाएंगे। झारखंड में मुख्य बात यह है कि आधार कार्ड जो है, अगर आपको रेशन चाहिए, अगर आपको डिपो से या पीडीएस सेंटर जिसको बोलते हैं आपको वहां से सामान चाहिए सस्ता, तो आधार कार्ड जो है वो अनिवार्य नहीं है, ये कहा है वहां पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर ने। और ये इसलिए किया गया क्योंकि 11 साल की जो बच्ची है वो स्टारवेशन से मर गई, 28 सितंबर को उसकी डेथ हुई थी लड़की की। आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है। आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है या वोटर आईडी कार्ड है या कोई भी ऐसा कार्ड है जो सरकारी कार्ड है तो आप खाना खरीद सकते हैं, प्रोक्योर कर सकते हैं पीडीएस सेंटर से, ये कहा वहां के फूड मंत्री, खाद्यान्न के मंत्री सरयू रॉय ने। एक टोल फ्री नंबर भी बनाया गया है, अगर कोई कंप्लेन है तो इस टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 1800-212-5512 ये नंबर है। और ये नंबर आप कोई भी, अगर आपको दिक्कत है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से रिलेटेड तो आप इसमें कर सकते हैं। एक और बात, ग्रेन बैंक बनाए जाएंगे झारखंड के हर ब्लॉक में। ग्रेन बैंक, ग्रेन मतलब होता है खाद्यान्न, जहां पे स्टोर करके रखे जाएंगे चावल वगैरह इत्यादि जो भी वहां पे लोग खाते हैं वो सब, तो ये सब आपको याद रखना है। एक कंपनी है अरविंद मिल्स, अरविंद मिल जो कंपनी है ये 400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है झारखंड में, खासकर महिलाओं को रोजगार देने के लिए, ये कहा है अरविंद मिल्स कंपनी ने। और 30 नवंबर तक अगले साल यानी 2018 तक इनका जो प्लांट है ये तैयार हो जाएगा। अब झारखंड की सरकार ने एक इम्पॉर्टेंट निर्णय लिया, वो निर्णय ये है स्पोर्ट्स को, खेलों को, खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कहा है कि अभी जो हमारे कैडेट हैं एकेडमी के अंदर उनका नंबर हम बढ़ाना चाहते हैं। कितना बढ़ाना चाहते हैं? 2022 तक यानी 2018-19 सेशन से ही 1400 कैडेट हमें चाहिए, और ये नंबर बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट झारखंड में अब ये जो अफसर हैं वो ये सोच रहे हैं कि 1400 कैडेट हम कहाँ से लाएं, लेकिन सरकार ने अपना डिक्टेट दे दिया है तो अभी इन्हें लाने पड़ेंगे। और झारखंड स्टेट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है खेलकूद के विकास के लिए जिसका नाम है झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी यानी JSSPS, तो इसने कहा है कि 1400 कैडेट लेके आओ, अगले जो इनका नंबर है 2022 तक इतना हो जाना चाहिए और 2018-19 से ही हमें 1400 कैडेट चाहिए, यानी 2022 तक हम इनका नंबर हर साल बढ़ाएंगे। देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, पहले ये कहा था इन्होंने कि हम 2022 तक 1400 कैडेट का हमारा टारगेट है, अब अचानक इन्होंने ये कह दिया है कि 2018-19 यानी 2018 में जब अप्रैल में एडमिशन होंगे एकेडमी में तभी हमें 1400 चाहिए। तो जो लोग आराम से बैठे थे कि हाँ 2022 तक हमें 1400 कैडेट चाहिए, अब उनको एक साल के अंदर अंदर करने हैं, एक साल भी कहाँ, अब अक्टूबर चल रहा है 5 महीने बचे हैं, इसलिए अफरा तफरी मच गई है, तो ये कहा है। और इसके अलावा एक मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी सरकार ने बनाया है अगेन होतवार में जो रांची के आउटस्कर्ट्स के अंदर है, और सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि हम 15 अकेडमी बनाएंगे स्पोर्ट्स की जिन्हें कहा गया है गेम स्पेसिफिक अकेडमी। देखिए गेम स्पेसिफिक का मतलब ये होता है वहां पे एक खेल पे जोड़ दिया जाएगा, एक उस पे जोड़ दिया जाएगा, और ऑलरेडी पिछले 2 सालों में झारखंड में 5 अकेडमी बन चुकी हैं, एक एथलेटिक्स के लिए, एक तीरंदाजी के लिए, ताइक्वांडो के लिए, फुटबॉल के लिए और रेसलिंग के लिए। इसके अलावा झारखंड की सरकार ने खेल महाकुंभ भी शुरू करे हैं कई जिलों में, जिससे बॉयज और गर्ल्स वो छांट सकें, जो अच्छा खेलते हैं उनको छांट सकें। NIA बोलते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, NIA हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो है ये। और झारखंड के पूर्व मंत्री हैं, मंत्री जिनका नाम है गोपाल कृष्ण पटार ने, एक MLA है रमेश मुंडा, इनको जान से मारने के लिए 5 करोड़ रुपए का फिरौती दिया था, जो सुपारी दिया था। रमेश मुंडा को मारने के लिए 2008 में एक नक्सल हाइट को
5 करोड़ रुपए दिए थे कि आप रमेश मुंडा का वध कर दो। ये दिया था झारखंड के पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पटार ने, इनको अरेस्ट कर लिया गया है। और ये जो गोपाल कृष्ण पटार हैं, ये काफ़ी फेमस हो गए थे 2009 में, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे सिबू सोरेन, उनको इन्होंने तमार बायपोल में हरा दिया था। तो ये एक अपसेट था, एक उलटफेर था। मिस्टर पटार न्यूज़ में काफ़ी आ गए थे। इनका नाम है राजा पीटर वैसे पूरा, पर इन्हें गोपाल कृष्ण पटार बोलते हैं। और इन्होंने रमेश मुंडा को जान से मारने की के लिए रकम दी थी। अच्छा, ये भी पूछ लें, अगर किसे दी थी, किस नक्सलाइट को दी थी, तो नक्सलाइट एक कमांडर है जिनका नाम है कुंदन पहन, इन्हें कहा था, कुंदन पहन को दिए थे पैसे 5 करोड़। चलिए, झारखंड टूरिज्म, झारखंड अपना पर्यटन बढ़ाना चाहता है, इसके लिए अभी अभी पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ट्रैवल मार्ट ऑर्गेनाइज हुआ। कहाँ पे हुआ? मकाओ में, मकाओ के वेनेटियन होटल में। वहाँ पे झारखंड भी गया पहली बार, झारखंड का पर्यटन मंत्रालय पहली बार गया पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ट्रैवल मार्ट के अंदर। ये इनका 40वां अध्याय था, 40वीं बार मनाया गया पाटा ट्रैवल मार्ट, उसमें इस बार झारखंड ने भी, और झारखंड ने वहाँ जाके किस किस चीज़ को प्रस्तुत किया, वहाँ पे जाके उन्होंने अपना स्टॉल लगाया। उस स्टॉल के अंदर लॉर्ड बुद्धा और बुद्धिस्ट रेलिक्स हैं इटखोरी में, वहाँ पे 200 ईसा पूर्व से लेके 1200 एडी तक वो दिखाए वहाँ पे। इसके अलावा झारखंड का मशहूर मलुती टेम्पल और झारखंड का झरने अभ्यारण्य, सारंदा के जंगल और नेत्रहाट का सूरज जो छिपता है वहाँ पे, वो बहुत पॉपुलर है, ये सब भी दिखाए गए वहाँ पे, जो मकाओ के अंदर हुआ था पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ट्रैवल मार्ट। दूसरी बात, झारखंड प्रमोट करना चाहता है इटखोरी को, और इसके लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अभी हार्डवर्क किया वहाँ पे, बायोडाइवर्सिटी, जैविक विविधता दिखाई, वहाँ की हेरिटेज, संस्कृति, धरोहर, ये सब प्रदर्शित की। इसको मकाऊ की सरकार ने ऑर्गेनाइज करा था, इसमें 66 देशों के लोग आए थे, और ये सितंबर में हर साल मनाया जाता है। झारखंड जो है, ये रघुबर दास मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड को हम एक बिजली संपन्न राज्य बना देंगे 2019 तक, एक पावर हब बना देंगे। और उन्होंने एक सब स्टेशन भी, पावर स्टेशन भी इनॉग्रेट करा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम। ये वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के गुदरी ब्लॉक में इन्होंने इसका नींव रखी, इसकी शुरुआत करी, इसका विमोचन किया रघुबर दास ने। और 2019 तक झारखंड बन जाएगा पावर हब, तो टारगेट है 2019। इसके अलावा उन्होंने एक अनाउंसमेंट और भी करी, वो ये कि जो पेंशन अमाउंट है वो 750 रुपए से बढ़ा के अब हो गया है 1000। किन के लिए? उन मजदूरों के लिए जो रजिस्टर्ड मजदूर हैं और जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में हैं, उनके लिए। इसके अलावा मजदूरों के 6.5 लाख बच्चे हैं जिन्हें स्कूल्स में डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा, डायरेक्ट एनरोलमेंट होगा। तो ये याद रखिए, 6.5 लाख बच्चे हैं जो टारगेट है, जिनका डायरेक्ट स्कूल में एडमिशन होगा, और जो जो पेंशन अमाउंट है वो 750 से बढ़ा के 1000 रुपये कर दिया गया है। अब बात करते हैं सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2017 की। ये दिखाता है कौन सा समाज कितना ज़्यादा समृद्ध है, वो दिखाता है। बिहार और झारखंड इसमें सबसे नीचे हैं, हालांकि इन्होंने प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी करी है, ये बताया इस इंडेक्स ने। इसका नाम है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, इसको रिलीज करा सोशल प्रोग्रेस इंपेरेटिव एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कंपिटिटिवनेस ने। अब इसके अंदर पूरे भारत का स्कोर है 54.90। थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। अब जो पूरा जो जैसे भारत है वो तो इम्प्रूव हो रहा है, नो डाउट, लेकिन अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भारत में किस राज्य में हुए, किस राज्य में हुआ, सोशल प्रोग्रेस की बात हो रही है, सामाजिक तौर पर, आर्थिक नहीं, सामाजिक तौर पर, तो उसमें इन राज्यों में हुआ, और ये बहुत नीचे हैं ऑलरेडी। त्रिपुरा, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड और बिहार, इनमें सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। और इम्प्रूवमेंट किन किन क्षेत्रों में हुआ, ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पे। मेडिकल केयर, वाटर सैनिटेशन, पर्सनल सेफ्टी, हेल्थ, एजुकेशन, पर्सनल राइट्स, एनवायरमेंट क्वालिटी, बहुत सारे पैरामीटर कंसिडर किए थे। अब अगर इस इंडेक्स के हिसाब से मैं देखूं कि भारत का नंबर वन स्टेट कौन सा है, वो है केरल। केरल का स्कोर है 68, केरल के बाद दूसरा सबसे अच्छा है हिमाचल प्रदेश, नीचे से सबसे नीचे है बिहार, और दूसरे नंबर पे सबसे नीचे है झारखंड। झारखंड का स्कोर है सिर्फ 47.80। और ये सारी रैंकिंग देख सकते हैं आप, इसमें केरल नंबर वन है, फिर सबसे नीचे है बिहार, सेकेंड लास्ट है नीचे से, दूसरा है झारखंड, असम नीचे से तीसरा, ऊपर के तीन याद रख लीजिए, केरल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु।
चलिए अब एक हेल्थ इंश्योरेंस सेहत बीमा स्कीम स्टार्ट हुई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। ये लॉन्च करी रघुबर दास ने। रघुबर दास ने लॉन्च करी है ये, और एक्चुअली लॉन्च होगी, अभी एकदम से नहीं हुई है, अनाउंसमेंट कर दी है। अनाउंसमेंट ये करी है कि रांची से लॉन्च होगी 15 नवंबर को, और ये कहा है कि 28 दिसंबर तक पूरा राज्य हम कवर कर देंगे। कितना राज्य कवर कर देंगे? 57 लाख लोग हैं जो इससे बेनिफिशियरी होंगे, इसके जो बेनिफिट करेंगे इससे, और ये 57 लाख वही लोग हैं जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में भी बेनिफिशियरी हैं। अब एक और चीज़ उन्होंने कही कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कैशलेस हो जाएगा। कैशलेस यानी कि जो गरीब लोग हैं उन्हें कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा इस हेल्थ स्कीम में। और ये हेल्थ स्कीम है क्या? देखिए, एक होता है प्राथमिक उपचार, एक होता है सेकेंडरी केयर। प्राथमिक उपचार क्या होता है? प्राइमरी केयर क्या होती है? आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, मान लो आप जा रहे हो किसी MBBS डॉक्टर के पास। अब वो डॉक्टर आपको मान लीजिए सर में दर्द है, तो वो प्राइमरी केयर आपको दे देगा, लेकिन वो आपको ट्रांसफर कर देगा दिमाग के डॉक्टर के पास, जिसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। तो न्यूरोलॉजिस्ट आपको स्पेशल केयर देगा, बिल्कुल दिमाग की केयर देगा, उसको बोलते हैं सेकेंडरी केयर। तो सेकेंडरी केयर के लिए 50,000 रुपये, अगर स्पेशल केयर है उसके लिए 2 लाख रुपये, और अगर एल्डरली पीपल है, कोई सीनियर सिटीजन वगैरह है, उनके लिए एक्स्ट्रा 30,000 रुपये का प्रावधान है इस हेल्थ स्कीम में। एक बीजेपी लीडर है जिनकी गोली मार के हत्या कर दी गई झारखंड में, इनका नाम है मनोज नागेसिया। ये पहले एक नक्सलवादी लीडर थे, लेकिन फिर ये इन्होंने वो छोड़ दिया था नक्सलवाद, और फिर ये मुख्य धारा से जुड़ गए थे। इनकी गोली मार के हत्या कर दी गई लचारागढ़ सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 20 लाख लोग हैं झारखंड के जिन्हें जॉब्स मिलेगा 2022 तक, ये अनाउंस करा मुख्यमंत्री रघुबर दास ने। तो टारगेट कितना है सरकार का? 20 लाख जॉब्स का 2022 तक, ये इन्होंने अनाउंस करा। दूसरी मीटिंग जो हुई झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी की, वहां पे ही अनाउंस किया गया। और स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन था, उस उपलक्ष्य में कहा कि 25,000 लोगों को तो हम अपॉइंटमेंट लेटर अभी देंगे। टोटल टारगेट हमारा 2022 तक है 20 लाख। इसके अलावा झारखंड में एक और स्कीम चलाई जा रही है जिसका नाम है तेजस्विनी स्कीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तेजस्विनी स्कीम। तेजस्विनी स्कीम के लिए पैसा किसने दिया है? वर्ल्ड बैंक ने दिया है। कितना दिया है? 63 मिलियन का पैसा जो लोन दिए वो दिए हैं, लगभग 400 करोड़ रुपए दिए। इसमें 14 साल से 24 साल तक की जो लड़कियां हैं उनका कौशल विकास किया जाएगा, उनको रोजगार दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आदिवासी समुदाय के हैं या अनुसूचित जाति से कोई लड़कियां हैं तो उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग मिलेगी, और हर पंचायत से 100 लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं उन्हें सिलेक्ट किया जाएगा और उन्हें ट्रेन किया जाएगा। 100 हर पंचायत से 100 गर्ल्स को। झारखंड जो है वो चेक गणराज्य के साथ एक बहुत लंबी रिलेशनशिप बनाना चाहता है। देखिए, रघुबर दास गए थे अभी चेक गणराज्य। चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग, ये एक यूरोप का देश है, और वहां पे झारखंड का स्टॉल लगा था, झारखंड का एक पवेलियन लगा वहां पे, जिसका उद्घाटन करा रघुबर दास ने। चेक गणराज्य ही क्यों गए? क्योंकि जब मोमेंटम झारखंड हुआ था तो वहां पे चेक गणराज्य एक पार्टनर कंट्री था, और भी थे पार्टनर कंट्री, जापान था, ट्यूनिशिया था, मंगोलिया था, और चेक गणराज्य था। और जो दूसरा चरण हुआ था मोमेंटम झारखंड का, उसका उद्घाटन करा था हमारी कपड़ा मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने, जो गुजरात से एक राज्यसभा सांसद हैं। दूसरी बात, अगर आपसे पूछ लें कि भाई मोमेंटम झारखंड में कितने MOU साइन हुए थे, 210। और स्मृति ईरानी ने यह कहा कि झारखंड में एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनेगी जो झारखंड की पहली होगी, और ये लगेगी रांची में। चलिए, अब जो सिख लोग हैं झारखंड में, उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी सरकार से कि हमें हिंदू मैरिज एक्ट के तहत नहीं, आनंद मैरिज एक्ट के तहत हमें शादी करने दो। हमारी जो मैरिज की रजिस्ट्रेशन है वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत नहीं, क्योंकि सिख समुदाय जो है वो आनंद मैरिज एक्ट फॉलो करता है। तो आनंद मैरिज एक्ट, झारखंड भारत का तीसरा राज्य बना है जिसने आनंद मैरिज एक्ट को लागू करने के लिए इजाजत दे दी है। यानी अब झारखंड में कोई भी सरदार है वो शादी करता है तो आनंद कराज बोलते हैं इसे, आनंद कराज के तहत आनंद मैरिज एक्ट में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। पहले दो राज्य कौन से हैं? पंजाब और हरियाणा, और ये बना तीसरा राज्य। झारखंड में पहला मिनी ATM सर्विस शुरू हुआ है, जगह का नाम है पोटका। पोटका ब्लॉक पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है झारखंड में। ये मिनी ATM सर्विस स्टार्ट की गई तंतला पंचायत पोटका ब्लॉक पूर्वी सिंहभूम के अंदर। इसको इंस्टॉल किसने करा है? AGS कंपनी ने करा। ये मिनी ATM होता क्या है? मिनी ऑटोमेटेड टेलर मशीन क्या होती है?
इसमें आप 2000 रुपये तक हर रोज पैसा निकाल सकते हो और कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसको बोलते हैं मिनी एटीएम मशीन। अब बात करते हैं रघुबर दास की दोबारा। झारखंड की पुलिस ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है, किसमें? हैंडबॉल कंपटीशन में। यह हुआ था 66वां ऑल इंडिया पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर कंपटीशन। इसमें भारत से, मैं रिपीट करता हूं, भारत से 36 टीमें आई थी पुलिस की। भारत में 29 तो है राज्य और 7 हैं केंद्र शासित प्रदेश, तो कितनी टीमें हो गई? 36। उन 36 में झारखंड की पुलिस ने जीता है हैंडबॉल कंपटीशन। यह हुआ कहां पे था, यह अगर पूछ लें, इसमें आपको यह पूछेंगे कि फाइनल में किसको हराया। फाइनल में इन्होंने हराया सीआरपीसी 29, सीआरपीसी टीम को हराया 29-19 के स्कोर से खेलगांव रांची में। यह कंडक्ट हुई थी खेलगांव रांची में। चलिए, झारखंड के मुख्यमंत्री ने खुद हिस्सा लिया रन फॉर यूनिटी। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो जन्मदिन है, 142वां जन्मदिन, वो मनाया गया धूमधाम से 31 अक्टूबर 2017 को। इस उपलक्ष्य में एक दौड़ का आयोजन किया गया, उसमें खुद मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया। और ये जो दौड़ हुई, ये कहाँ पे हुई, इसको ऑर्गेनाइज कराया गया ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। अब झारखंड में शराब की बात करते हैं। झारखंड की सरकार ने नई शराब पॉलिसी लाई, एक झारखंड स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसे बोलते हैं, जो वहाँ शराब वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ये कहा है कि जो 200 दुकानें हैं शराब की, जो रिटेल बिजनेस है वो उतने 200 दुकानें हैं, वो अब सरकारी बना दी जाएंगी। याद रखिए, लगभग 1500 पूरे झारखंड में दुकानें हैं जहाँ पे शराब बिकती है, भारत में बनी हुई शराब जिसे बोलते हैं इंडियन मेड फॉरन लिक्वर, IMFL, ये बिकती हैं 1500 दुकानों पे। और सरकार ने ये कहा है कि 200 ऐसी दुकानें हैं जिन पे अब हम सरकार कब्जा कर लेगी, और लिमिट रख दी है कितनी शराब आप खरीद सकते हैं, इस पे लिमिट रख दी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 1 अगस्त 2017 से लिमिट क्या है, आप इंडियन मेड फॉरेन लिक्वर खरीद रहे हो तो सिर्फ 4 बॉटल यानी कि 3 लीटर खरीद सकते हो एक दिन में। अगर आप, ये मैं बात कर रहा हूँ इंडियन मेड फॉरेन लिक्वर की, अगर बियर खरीद रहे हो तो बियर आप खरीद सकते हो सिर्फ 8 बॉटल एक दिन में यानी 5.2 लीटर। अगर आप देसी शराब खरीद रहे हो तो आप सिर्फ खरीद सकते हो 2 बॉटल यानी 1.2 लीटर एक पर पर्सन पर डे। और जो 1 अगस्त 2017 से शराब अगर कहीं बिकेगी तो सिर्फ JSBCL यानी झारखंड स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अध्यक्षित यानी ऑथराइज्ड स्टोर पे ही बिकेगी झारखंड में। यह है उनकी नई शराब पॉलिसी। झारखंड ने एक किताब बैन कर दी है, यह किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है आदिवासी नहीं नाचेंगे यानी द आदिवासी विल नॉट डांस। इन्होंने यह कहा है कि झारखंड में एक आदिवासी समुदाय है जिसका नाम है संथाल, इन्होंने संथाल को गलत तरीके से प्रदर्शित किया इस किताब में। इस किताब को लिखा किसने है, ये जरूर आएगा। इस किताब को लिखा है, आप यहाँ पे इसमें शायद नाम नहीं पढ़ पाएंगे, ऑथर हैं इसके हंसदा सौवेंद्र शेखर। हंसदा सौवेंद्र शेखर ने लिखा है, इन ये साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी जीत चुके हैं 2015 में अपनी किताब द मिस्टीरियस एलिमेंट ऑफ रूपी बास के लिए, इन्होंने लिखा है। लेकिन ये किताब झारखंड में हो गई है बैन। झारखंड की सरकार ये चाहती है कि झारखंड के अंदर धर्म परिवर्तन ना हो, इसलिए झारखंड की विधानसभा में रखा गया था रिलीजियस फ्रीडम बिल 2017, ये पास हो गया। अब झारखंड की विधानसभा के बाद वहां की गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने इसे अपना एसेंट दे दिया है यानी अपनी हां दे दी है, अब ये बन गया है कानून। यानी कि झारखंड में अब बहुत बड़े व्यापक तौर पर रिलीजियस कन्वर्जन नहीं होंगे, और इसी के लिए सरकार ने किया है। और ये क्यों लेके आई है बिल, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, झारखंड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्राइबल हैं, जो आदिवासी समुदाय के हैं, और जो बहुत बैकवर्ड हैं, बहुत बैकवर्ड हैं। ये वो लोग हैं खासकर जो वहाँ के वन जंगलों में रहते हैं इत्यादि, और वहाँ पे जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो बहुत ज़्यादा कन्वर्जन कर रहे थे। अगर मैं डेटा पे जाऊं, 2011 में जनगणना हुई थी झारखंड में, और उससे पहले हुई थी 2001 में, झारखंड बना था 2000 में। तो 2001 से लेके 2011 तक 10 सालों के अंदर जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है झारखंड में वो लगभग 30% बढ़ी, मुसलमान पॉपुलेशन बढ़ी 28.4% और हिंदू पॉपुलेशन बढ़ी सिर्फ 21%। तो झारखंड की सरकार का यह कहना है कि धर्म परिवर्तन जो है वो एक राजनीतिक मुद्दा आने वाले समय में बनाया जा सकता है, और इसीलिए इन्होंने पास करा है रिलीजियस फ्रीडम बिल। अब इस बिल का जो सेक्शन 3 है वो ये कहता है, आप जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, अगर करोगे तो 3 साल तक की सजा, 50,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप किसी
अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति एससी एसटी का धर्म परिवर्तन करते हो, खासकर किसी माइनर का या महिला का या किसी भी व्यक्ति का जो एससी एसटी कम्युनिटी से है, तो आपको सजा 3 साल की बजाय 4 साल तक की हो सकती है अगर एससी एसटी कन्वर्जन करोगे, क्योंकि ये जो लोग हैं ये ज्यादा आसानी से इन्फ्लुएंस किए जा सकते हैं इनका परिवर्तन, क्योंकि ऑलरेडी ये बैकवर्ड सोसाइटी है, समाज में आर्थिक तौर पर पीछे हैं, सामाजिक तौर पर भी इनके साथ काफी डिस्क्रिमिनेशन होता है, और इसीलिए 50,000 की बजाय पेनल्टी 1,00,000 या दोनों, और सजा भी ज्यादा होगी खासकर अगर एससी एसटी का कन्वर्जन करते हो, ये कहा है झारखंड की सरकार ने। याद रखना होगा आपको, झारखंड भारत का 7वां राज्य बना है जिसमें इस तरह का कानून लाया गया है। इससे पहले महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश इस तरह का कानून पास कर चुके हैं। एक और बात बताता हूं, ये जो सजा आपको होगी ये नॉन बेलेबल होगी, नॉन बेलेबल क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया गया है अगर आप किसी का धर्म परिवर्तन करते हो उस व्यक्ति को, या तो किसी तरह का प्रलोभन देकर, जैसे किया जाता है कि भाई हम आपको खाना देंगे, पैसा देंगे, आप ईसाई बन जाओ या कोई और धर्म बन जाओ, या जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया, तो फोर्सफुल या एल्योरमेंट, प्रलोभन देकर कराया गया धर्म परिवर्तन अब एक नॉन बेलेबल क्रिमिनल ऑफेंस है, अपराध है झारखंड के अंदर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को बैन कर दिया है 3 साल के लिए, ये अब चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों बैन करा है? क्योंकि मुख्य जो चुनाव आयुक्त है हमारे, जो इलेक्शन कमीशन है हमारा चुनाव आयोग, उन्होंने ये देखा कि इन्होंने इलेक्शंस में खर्चा करा था लगभग 9 करोड़ रुपीज का, और इन्होंने दिखाया कि खर्चा करा इलेक्शन में इन्होंने सिर्फ 18 लाख रुपए का। ये बात हो रही है 2009 के चुनाव की। दूसरी बात, एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने खर्चा करा 28 लाख रुपए का, लेकिन दिखाया हमने खर्चा करा सिर्फ 2,24,000 रुपए का। इसीलिए फॉल्स डॉक्यूमेंट भरने के लिए 3 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा। एक कंपनी है ओरेकल वही कंपनी है जो जावा वगैरह बनाती है, इसने झारखंड की सरकार के साथ MOU साइन करा है। अब ये झारखंड की सरकार को क्लाउड बेस्ड सिटीजन सर्विस प्रोवाइड करेगी, जिससे राज्य में डिजिटल साक्षरता बढ़ाई जा सके। झारखंड जो है, अगर हम देखें भारत में कौन से नंबर पे आता है, जिसमें वहां की जो अदालतें हैं वो सौर ऊर्जा से चलती हैं, तो झारखंड बहुत आगे है। तो झारखंड जो है ये लीड कर रहा है सारे स्टेट्स को सोलर पावर्ड, सौर ऊर्जा से चलने वाले सचिवालय और कोर्ट्स में। किस तरह से? तो पहला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट झारखंड का जिसमें सोलर पावर लगा, ये प्रधानमंत्री ने 2 साल पहले उद्घाटन करा था 2015 में। तब से लेके अब तक अगर मैं देखूं तो झारखंड का जो हाई कोर्ट है वो, और झारखंड का हाई कोर्ट सौर ऊर्जा से चलता है, और झारखंड का जो रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है जिसे बोलते हैं JREDA, ये झारखंड का वो डिपार्टमेंट है जो सौर ऊर्जा और जैविक ऊर्जा को प्रमोट करता है, उन्होंने जो सोलर पावर प्लांट है 3 और कोर्ट में लगा दिए हैं। यानी झारखंड का हाई कोर्ट भी सौर ऊर्जा से चलता है, झारखंड में 3 और कोर्ट हैं जो सोलर पावर प्लांट से चलते हैं। अब ये कौन कौन से कोर्ट हैं जो सौर ऊर्जा से चलते हैं? सबसे पहला जो कोर्ट झारखंड का जिसमें सोलर पावर प्लांट लगा था वो है खुंटी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, खुंटी जिले का कोर्ट। अक्टूबर 2015 में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन करा। और दूसरा था साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट, अप्रैल 2017 में इसका उद्घाटन हुआ। तीसरा कोर्ट झारखंड का जिसमें सौर ऊर्जा से चलने वाला जो बना वो था गढ़वा का कोर्ट, और ये अगस्त 2017 में। तो 3 कोर्ट मैंने बता दिया आपको, इसके अलावा झारखंड का हाई कोर्ट भी हो गया है सौर ऊर्जा से चलने वाला। अब आपको 5 कोर्ट और बताता हूं झारखंड के जो सौर ऊर्जा से चलेंगे आने वाले समय में। एक है देवगढ़, एक है जामतारा, एक है कोडरमा, छात्रा और रामगढ़। तो ये सारे हैं जो ये चलेंगे सौर ऊर्जा से आने वाले समय में। सिमडेगा में एक पावर प्लांट बन रहा है, सोलर पावर प्लांट, जो 1,20,000 यूनिट पावर जनरेट करेगा, और 100% रिक्वायरमेंट जो सिमडेगा कोर्ट की है वो इससे पूरी हो पाएगी। याद रखिए, झारखंड भारत का लीडिंग राज्य है, ये एकमात्र राज्य है जिसमें 4 ऐसे कोर्ट हैं जो सौर ऊर्जा से चल रहे हैं, झारखंड का हाई कोर्ट और 3 कोर्ट में आपको और बता चुका हूं। एक और बात, जो भी ये सोलर प्लांट लग रहे हैं इनकी जो लाइफ है वो है 25 साल, 25 साल तक ये काम कर सकते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने कहा है कि राज्य में जितनी भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम राशन शॉप है वो शट हो जानी चाहिए। तो सारी की सारी जो
और इन्होंने राज्य का जो खाद्यान्न विभाग है यानी फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट है उनको ये हुक्म दिया है कि जितने भी रेशन शॉप्स हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत उन्हें कई चरणों में बंद कर दो। बंद क्यों कर दो? बंद इसलिए कर दो क्योंकि झारखंड की सरकार ने निर्णय लिया है अब जो भी सब्सिडी मिलेगी जो भी छूट मिलेगी वो सीधी व्यक्ति के बैंक अकाउंट में जाएगी और पीडीएस शॉप्स में खरीदारी की बजाय, जैसे मान लो एक मैं समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूँ, मान लो 5 रुपये का चावल है और 4 रुपये की सब्सिडी मिलती है तो आपको 1 रुपये का पड़ता है पर केजी। अब ये जो 4 रुपये की सब्सिडी है ये आपके अकाउंट में पहले चली जाएगी बैंक अकाउंट में और फिर मार्केट से जाके आप 5 रुपये का ले सकते हो, आपको पीडीएस शॉप पे जाने की आवश्यकता नहीं है। यानी सब्सिडी आपके अकाउंट में आ जाएगी, उससे जाके फिर सब्सिडी का इस्तेमाल करके मार्केट से जाके अपना खाद्यान्न खरीद लो। झारखंड की सरकार ने एक कंपनी है जिसका नाम है अर्नेस्ट एंड यंग यानी EY, उसको 3 साल के लिए बैन कर दिया है क्योंकि उसने अच्छा काम नहीं किया। ये एक काफ़ी ज़बरदस्त स्टेप है। प्राइवेट कंपनी जो है वो जनरली सरकार को जिसे कहते हैं टेक फॉर ग्रांटेड ले लेती हैं, तो इसीलिए अब EY को बैन कर दिया है। उन्होंने कहा कि आपने जो काम किया है वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया। ये एक प्राइवेट ऑडिटिंग कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इसका नाम है अर्नेस्ट एंड यंग, इसे बोलते हैं EY। इसे सरकार ने 3 साल के लिए बैन कर दिया है। झारखंड की सरकार ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस टिस के साथ कौशल विकास के लिए एक MOU साइन करा है। ये अब क्या करेंगे, हायर एजुकेशन प्रोग्राम में वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे 50,000 यूथ को, झारखंड के 50,000 यंग लोगों को 4 साल के पीरियड में। कौन देगा? टिस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। झारखंड में 2,000 गांव हैं ऐसे जो बहुत रिमोट एरिया में हैं, शहर से बहुत दूर हैं, प्रॉपर कुछ नहीं है वहां पे, उतनी अच्छी सड़कें नहीं हैं। इस तरह के गांव में वाईफाई हॉटस्पॉट शुरू हो गया है और झारखंड भारत का पहला राज्य बना जिसने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम जो केरोसिन के लिए चलाई गई थी उसको लागू किया था। 55 लाख बेनिफिशियरी हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जिनके अकाउंट में ऑलरेडी सब्सिडी जा चुकी है। इसके अलावा झारखंड सरकार के 1,000 दिन पूरे हो गए हैं, जो भी सरकार चल रही है रघुबर दास की, 1,000 दिन भी पूरे हो गए हैं। झारखंड में एक बहुत मशहूर पहलवान है, इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु हुई कैसे? ये पानी में डूब गए और पानी में डूबते ही करंट से इनकी मृत्यु हो गई। इनका नाम है विशाल कुमार वर्मा। तो ये याद रखिए, बहुत बड़े पहलवान थे ये और गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने झारखंड स्टेट कॉम्पिटिशन में, फ्री स्टाइल में भी और ग्रेको रोमन कैटेगरी में भी। बिहार और झारखंड के बीच 13 साल से एक लड़ाई चल रही है किसी चीज़ को लेके, वो अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उसको ख़त्म कर दिया लड़ाई को। लड़ाई क्या थी? दिल्ली में एक बिहार निवास है, अब लड़ाई ये हो गई कि इसको कौन रखेगा बिहार निवास को। ये जो भवन है, बिहार निवास भवन बोलते हैं इसे, बिहार निवास और बिहार भवन दो हैं एक्चुअली, बिहार रखेगा कि झारखंड रखेगा? तो ये बिहार रखेगा, लेकिन बिहार झारखंड को पैसा देगा। जितनी भी वैल्यू है उसकी बिहार भवन और बिहार निवास की, उसका 1/3 लगभग बिहार की सरकार देगी झारखंड सरकार को, लेकिन रखेगा उसे बिहार। अब कितना पैसा है ये? तो इसकी वैल्यू 300 करोड़ रुपए लगाई गई है, जो दो बिल्डिंग है इनकी, बिहार निवास और बिहार भवन की। तो इसका 1/3 यानी 100 करोड़ रुपए बिहार की सरकार देगी झारखंड की सरकार को, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। झारखंड में एक एडवोकेट जनरल थे विनोद पोद्दार, उन्होंने अब अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, उन्होंने पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट को ये अपना रेजिग्नेशन सौंप दिया है। झारखंड की एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही महान हॉकी खिलाड़ी रही हैं और भारतीय वुमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन भी रही हैं, इनका नाम है सुमराई टेट। तो सुमराई टेट जो हैं इन्हें ध्यानचंद अवार्ड मिला है 2017 के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा, और ये इन्हें मिला राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को। और ये झारखंड हॉकी की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, ये याद रखिए। इन्हीं की अगुवाई में भारत ने कॉमनवेल्थ गेम जो हुए थे 2006 मेलबर्न में, उसमें सिल्वर मेडल जीता था भारतीय महिला हॉकी टीम ने। झारखंड जो है वहां पे एक खास तरह का रेशमी जिसे कहते हैं कपड़ा बनता है, एक खास तरह का सिल्क वहां पे होता है जिसको बोलते हैं टसर सिल्क। तो झारखंड क्या चाहता है? झारखंड ये चाहता है कि जो सिल्क का उत्पादन है, सिल्क का जो प्रोडक्शन है टसार सिल्क का, वो डबल हो जाए। उनका टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि ये 2600 मैट्रिक टन अभी है, इससे डबल हो जाए, यानी इसका डबल हो गया 5200 मैट्रिक टन। अभी झारखंड में 2600 मैट्रिक टन रेशम
का उत्पादन होता है। और याद रखिए, झारखंड स्टेट के जो खादी उद्योग बोर्ड के चेयरमैन है संजय सेठ, उन्होंने ये कहा है पूरे भारत में अगर देखें तो 3700 MT उत्पादन हुआ था मैट्रिक टन, इसमें से झारखंड का शेयर था 2600, यानी झारखंड पूरे भारत में नंबर वन है रेशम में, सिल्क में। नीति आयोग ने झारखंड की ग्रीन वुमेन लेडी टार्जन को सम्मानित किया है। देखिए, आज से 19 साल पहले झारखंड की एक महिला है जिसका नाम है जमुना टुडू, इनको लेडी टार्जन बोलते हैं वहां की, उन्होंने 50 हेक्टेयर जमीन वहां ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के मातुर खाम गांव में 50 हेक्टेयर वनों को बचाने का निर्णय लिया और बचा भी दिया। तो इन्होंने उसको ना सिर्फ फॉरेन माफिया से बचाया बल्कि वहां पे साल, टिम्बर, सब्जियां उगाना इत्यादि एक्टिविटीज भी प्रमोट करी। इन्हें अब 2014 में मिला था गॉडफ्राई फिलिप्स ब्रेवरी अवार्ड, क्योंकि नक्सल प्रभावित एरिया है ये, उसके बावजूद ये डरी नहीं और इन्होंने 50 हेक्टेयर वन फॉरेस्ट को बचाया। इसके लिए झारखंड की सरकार ने भी और नीति आयोग ने इन्हें सम्मानित करा है, इनको बोलते हैं लेडी टार्जन, इनका नाम है जमुना टुडू। इसके अलावा जो मशहूर फिल्म निर्देशक है सुभाष घई, उन्होंने भी 2014 में इन्हें स्त्री शक्ति सम्मान से सम्मानित किया था। वेंकैया नायडू ये भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। वेंकैया नायडू ने एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू करा है रांची में। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, रांची भारत का एकमात्र ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है और इसकी इन्होंने आधारशिला रखी। इसके अलावा एक यहां पर अर्बन सिविक सेंटर बनेगा, कन्वेंशन सेंटर बनेगा, कन्वेंशन सेंटर मतलब सम्मेलन जहां पे होगा वो, और एक अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भी बनेगा। याद रखिए, भारत में जो क्वेश्चन आते हैं वही इस पे आते हैं, कोची, कोयम्बटूर और भुवनेश्वर, KCB फॉर्मूला याद रखिए, या KBC रख लीजिए, कौन बनेगा करोड़पति, KBC, कोची, भुवनेश्वर, कोयम्बटूर, इनको स्मार्ट सिटी बना रहा है जर्मनी। और चंडीगढ़, नागपुर और पुडुचेरी, PNC, चंडीगढ़, नागपुर और पुडुचेरी को बना रहा है फ्रांस, ठीक है। और अब रांची भी बनेगा स्मार्ट सिटी। झारखंड की विधानसभा ने लैंड एक्विजिशन 2013 अमेंडमेंट बिल पास कराया। इस बिल में क्या कहा गया है, इसमें यह कहा गया है सरकार जो प्रोजेक्ट बनाएगी उसके लिए जो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट होता है, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट मतलब ये होता है इससे कितना दुष्प्रभाव पड़ सकता है एक प्रोजेक्ट की वजह से, उसको आंकलन किया जाता है। 10 तरह के प्रोजेक्ट के लिए ये सोशल इंपैक्ट असेसमेंट नहीं किया जाएगा जिससे प्रोजेक्ट जल्दी बने। और ये कौन सी 10 चीजें हैं, जैसे अगर कॉलेज बनना है, यूनिवर्सिटी बनना है, हॉस्पिटल बनना है, पंचायत भवन बनना है, रेलवे की लाइन बिछाई जानी है, बिजली की लाइन बिछाई जानी है, अगर उसके लिए जमीन एक्वायर करनी है तो करनी है, उसके लिए सोशल इंपैक्ट असेसमेंट नहीं होगा। एक और बात, जमीन अगर अधिग्रहण कर ली उसका मुआवजा 6 महीने के अंदर अंदर किसानों को मिल जाना चाहिए। ये बिल पास हो गया है, इसका नाम है लैंड एक्विजिशन 2013 अमेंडमेंट बिल। झारखंड की सरकार ने एक स्कीम स्टार्ट करी है, शहीद ग्राम विकास योजना। झारखंड के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके जो गांव थे उनका विकास किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, झारखंड के सबसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन है, बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा का गांव कौन सा है, इसको बोलते हैं उलीहाटू गांव। उलीहाटू गांव से ये योजना स्टार्ट की गई है। और बिरसा मुंडा सब आप जानते हैं इनके बारे में, इन्होंने बहुत ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े, ये 1895 की जो जंग थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो इन्होंने लड़ी, आदिवासी समुदाय को इकट्ठा करा और उन्हें तीरंदाजी सिखाई, गुरिल्ला वेयरफेयर सिखाया, और ब्रिटिशर्स ने इन्हें जेल में डाल दिया जहां इनकी कोलेरा नाम के रोग से मृत्यु हो गई। झारखंड में 20,000 फैमिली हैं, 20,000 परिवार हैं जिन्हें घर बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। आप जानते हैं केंद्र सरकार ने एक स्कीम स्टार्ट करी हुई है हाउसिंग फॉर ऑल, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना। और प्रधानमंत्री आवास योजना दो तरह की है, एक रूरल एक अर्बन। याद रखिए जो टारगेट है केंद्र सरकार का वो है 6 करोड़ घर बनाने का, 4 करोड़ बनाए जाएंगे रूरल एरिया में और 2 करोड़ बनाए जाएंगे अर्बन एरिया में 2022 तक, ये डेडलाइन है। कितने घर बनाए जाएंगे, 6 करोड़ पूरे भारत में, 4 करोड़ बनाए जाएंगे गांव में, 2 करोड़ बनाए जाएंगे घरों में, इसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हाउसिंग फॉर ऑल। इसकी डेडलाइन है 2022। अब इसमें झारखंड में कितने बनेंगे, 2 अक्टूबर 2017, आज पूरा एक महीना हो गया उसको, तो 2 अक्टूबर को सरकार ने 20,051 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए मुआवजा देने का
सपोर्ट देने का अनाउंसमेंट कर दिया है। एक और बात, झारखंड में 2 अक्टूबर 2017 को अभी एक महीने पहले 41 अर्बन लोकल बॉडी हैं जिन्हें खुले में शौच मुक्त डिक्लेयर कर दिया गया है। झारखंड अभी तक खुले में शौच मुक्त राज्य नहीं बना है। भारत में सिर्फ 5 राज्य हैं जो खुले में शौच मुक्त बने हैं। पहला था सिक्किम, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा केरल, चौथा उत्तराखंड, पांचवा हरियाणा। अभी तक सिर्फ 5 बने, झारखंड नहीं बना है। दूसरी बात ये फायदा अप्लाई कौन कर सकता है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत? क्या कोई करोड़पति अमीर आदमी कर सकता है? नहीं। इनकम 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए सालाना, और ये उसके लिए उसे एफिडेविट देना पड़ेगा कि उसकी इनकम साल की 3 लाख रुपए से कम है। और घर बनाने के लिए जो सरकार की तरफ से सहायता मिलेगी वो मिलेगी 1,33,000 रुपए। तो ये थे झारखंड के करंट अफेयर। आपको स्टडी आईक्यू के वीडियो कैसे लगते हैं? हम कोशिश ये करते हैं कि बहुत थरो, बहुत ज़्यादा एक व्यापक तरीके से कवर करें वीडियो को, जिससे आपका इंटरेस्ट भी बने, आपकी जीके में रुचि भी बने, और यही हमारी कोशिश रहती है। आपको वीडियो हमारे कैसे लगते हैं आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। बस इस वीडियो को एक काम कर दीजिए, अपने जो भी झारखंड के मित्र हैं उनके साथ शेयर करिए, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। बस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।